हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि योजंग बेक इन्हों से कहता है, तुम होंगसुल को इन सब में इन्वॉल्व मत करो, और उसे प्रोफेसर का कार्ड देकर चला जाता है। होंगसुल उसे कहती है, तुम दोनों जब मिलते हो तब झगड़ते ही हो। योजंग भी बोल देता है, तुम बेक इन्हों के साथ फ्रेंडली रहती हो और उसकी चिंता करती हो, वो मुझे पसंद नहीं है। फिर खुद ही कहता है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, कल मेरा कॉलेज का आखिरी दिन है, फिर हम हर रोज़ नहीं मिल पाएंगे। दूसरे दिन योजंग को कोई मैसेज करके एक रूम में बुलाता है। ये काम गोन का ही था, उसने मिनसो के मोबाइल में से मैसेज भेजा था। योजंग उस रूम में जाता है, गोन भी वहाँ आता है और उसे कहता है, मैं सोच रहा था कि तुमने मुझे होंगसुल के पीछे क्यों लगाया था, तुम इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो। ये सुनकर योजंग वहाँ से जाने लगता है, पर गोन कहता है, तुम होंगसुल के साथ कब तक खेलते रहोगे, तुम्हें तो वो पसंद भी नहीं है, तुम उसे डेट करने का नाटक कर रहे हो, फिर तुम उसे छोड़ दोगे और फिर उसे ये कॉलेज छोड़ने पर मजबूर कर दोगे। योजंग कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। फिर गोन उसे मैसेज दिखाता है जो योजंग ने ही उसे भेजी थी पिछले साल। वो मैसेज पढ़ता है, होंगसुल ज़रूर तुम्हें लाइक करती है, उसे कहो कि तुम उसे लाइक करते हो, उसे कॉस्टली गिफ्ट पसंद है, तुम उसके पास जाओ। गोन ने ये सब मैसेज सेव करके रखे थे। वो कहता है, अगर ये मैसेज होंगसुल देख ले तो क्या होगा। योजंग कहता है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने ये मैसेज कभी भेजे ही नहीं है। लेकिन गोन मानता नहीं है, वो उस नंबर पे कॉल करता है और योजंग को कॉल उठाने के लिए कहता है, पर सामने तो बेक इन्हा बोलती है। किसी लड़की का आवाज़ सुनकर तो गोन भी चौंक जाता है। तभी क्लास में सांगचुल एक लड़के के साथ आता है। गोन उसे भी ये मैसेज दिखाता है, पर वो कहता है कि ये नंबर योजंग का नहीं है, सब उस पर गुस्सा होकर चले जाते हैं। गोन ये सब बातें रिकॉर्ड कर रहा था। योजंग को ये भी पता चल जाता है, गोन योजंग को एक्सपोज करना चाहता था पर उसकी सब मेहनत फेल हो जाती है। असल में योजंग किसी अलग नंबर से गोन को मैसेज कर रहा था, उसी ने गोन को कहा था कि होंगसुल तुम्हें लाइक करती है। बेक इन्हा भी वही थी, वो ये सब मैसेज पढ़ती है और योजंग से पूछती है, ये दोनों की वजह से तुम्हारा मूड खराब है। योजंग भी हाँ करता है। बेक इन्हा कहती है, इन दोनों को मैं संभाल लूँगी, और योजंग से पूछकर उसकी परमिशन लेकर बाकी के सब मैसेज वो कर देती है और ये फ़ोन भी वही रख लेती है। देखा जाए तो गोन को होंगसुल के पीछे लगाने में इनडायरेक्टली योजंग का हाथ तो था ही। गोन ने जो किया था उसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड दायंग उससे बात नहीं कर रही थी। वो परेशान हो गया था क्योंकि कोई उसकी बातों पे यकीन ही नहीं कर रहा था। वो सोचता है, मुझे कोई तो चाहिए जो मुझ पर भरोसा करे। फिर वो उनताक को देखता है। अब उनताक उसका अगला टारगेट था। क्लास में वो उसके बाजू में बैठता है। वो उसे कहता है, हम दोनों को जंग बोरा पसंद है, वो है ही इतनी प्रीटी, मेरे पास उसकी फ़ोटोज़ भी हैं जो मैंने पिछले साल क्लिक की थी। ये सुनकर तो उनताक उसे चालू क्लास में ही मारता है। प्रोफेसर दोनों को बाहर निकाल देते हैं। सांगचुल उनताक को गोन को मारने के लिए डांटता है। उनताक को माफ़ी मांगनी पड़ती है। जाते जाते गोन उनताक को कहता है, मेरे पास कोई फ़ोटोज़ हैं ही नहीं, उनताक बेवकूफ़ बन गया था। हम देखते हैं कि होंगसुल का खोया हुआ टॉय मिनसो के पास था। वो होंगसुल के क्लोज आना चाहती थी। वो सोचती है, जब मैं होंगसुल के साथ लंच करूंगी तो उसे ये वापस कर दूंगी। क्लासेस पूरी होने के बाद वो होंगसुल से लंच के लिए पूछती है, पर जंग बोरा होंगसुल को ले जाती है। तभी मिनसो की पर्स गिर जाती है और होंगसुल का टॉय दोनों देख लेते हैं। जंग बोरा उसे कहती है, ये तो होंगसुल का है, तुमने क्यों लिया। एक तो तुम उसकी स्टाइल कॉपी करती हो और अब उसकी चीज़ें भी चुराने लगी। ये सुनकर मिनसो कहती है, ये मेरा है। ये सुनकर तो होंगसुल भी चौंक जाती है। मिनसो कहती है, मैंने कॉलेज के सामने वाले स्टोर से ये खरीदा है, और फिर चली जाती है। मिनसो सोचती है, ये मैंने क्या कर दिया। गोन उसे बुलाता है, वो उसे सब बताती है। गोन उसे होंगसुल के खिलाफ उकसाता है कि वो इतनी अच्छी नहीं है, तुम उससे कई ज़्यादा अच्छी हो, वो तो कॉलेज में अफवाह फैला रही है कि तुम उसकी कॉपी कर रही हो। भोली मिनसो गोन की बातों में आ जाती है। बेक इन्हों कॉलेज में जाता है और प्रोफेसर से मिलता है। वो प्रोफेसर के सामने पियानो बजाता है। प्रोफेसर कहते हैं, तुमने कई सालों तक पियानो नहीं बजाया है, तुमने इन 5 सालों में किया क्या। बेक इन्हों कहता है,
आपको पसंद नहीं आया, आपके बुलाने पर ही मैं यहाँ आया हूँ, प्रोफेसर कहते हैं। मैंने बुलाया, तुम आए, मैंने तुम्हें पियानो बजाते देख लिया, पर अब तुम जा सकते हो। ये सुनकर बेकिनो चला जाता है। वो जा रहा था तो होंगसुल उसके पीछे ही थी। वो उससे पूछती है, तुम प्रोफेसर से मिले, पर वो कुछ बताता नहीं है। दोनों साथ में घर जाते हैं। योजंग उसके घर के बाहर ही खड़ा था। फिर वो उसकी मॉम डैड से मिलता है। टेरम कंपनी उसके पापा की है। ये जानकर तो होंगसुल के मॉम डैड का मुँह खुला ही रह जाता है। उसकी मॉम उसे अच्छे से खाना खिलाती है। बेकिनो को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो योजंग के बर्तन साफ कर रहा था। होंगसुल की मॉम के मुंह से योजंग की तारीफ सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। उसे प्रोफेसर की कई बातें याद आ रही थी। वो खुद सोचता है कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। दूसरे ही दिन वो फिर से प्रोफेसर के पास जाता है। उसे देखकर प्रोफेसर खुश होते हैं। बेकिनो कहता है, मैं पियानो सीखने आया हूँ। प्रोफेसर उसे एक बुक देते हैं और उसे तब तक पियानो बजाने को कहते हैं जब तक वो वापस ना आ जाए। कई देर तक वो पियानो बजाता है। वापस आकर प्रोफेसर उसे बाहर से ही देखते हैं। ये प्रोफेसर बेकिनो के पुराने पियानो प्रोफेसर उनवो से मिले थे। वो कहते हैं, बेकिनो मेरे पास आया था। इन 5 सालों में उसने पियानो को हाथ भी नहीं लगाया है। प्रोफेसर उनवो कहते हैं, वो पहले से ही जिद्दी है। प्रोफेसर उनवो की रिक्वेस्ट के कारण ही ये प्रोफेसर बेकिनो को पियानो सिखा रहे थे। कॉलेज में एक प्रोजेक्ट के लिए मिंसो योजंग के ग्रुप में थी। योजंग उसके बैग में होंगसुल का टॉय देख लेता है। फिर जंगबोरा और होंगसुल मिंसो के पास जाते हैं। जंगबोरा उसे कहती है, स्टोर में जाके हमने पूछा, उन्होंने तो ऐसा टॉय किसी को नहीं बेचा है। होंगसुल भी कहती है, तुम्हें वो कहीं से मिला होगा। पर गोंड की बातों को याद करके मिंसो चिल्लाकर बोलती है, तुम ही ऐसी अफवाह फैला रही हो कि मैं तुम्हारी कॉपी करती हूँ, और अब तुम चोरी का इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा रही हो। ये मैंने ही खरीदा है। फिर डायंग आके मिंसो को ले जाती है। कॉलेज में मिंसो होंगजोन को देखती है। वो उसे बहुत पसंद आ जाता है। होंगजोन उसे किसी डिपार्टमेंट के बारे में पूछता है। मैप दिखाने के बहाने वो उसका फोटो क्लिक कर लेती है और फिर उसे रास्ता दिखाती है। पर उस बेचारी को तो पता ही नहीं था कि वो होंगसुल का भाई है जिससे वो अभी झगड़ा करके आई थी। योजंग आज बिजी था, इसलिए होंगसुल अपने अंकल के कैफे में जाती है। अंकल उसे कहते हैं कि बेकिनो ऊपर पियानो की प्रैक्टिस कर रहा है। वो भी वहाँ जाती है और उसे पियानो बजाते देखती है। फिर दोनों साथ में पियानो बजाते हैं। दोनों बहुत खुश थे। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।